यात्री की बैग से चोरी करने वाले एक आरोपी को आरपीएफ थाना नागपुर ने 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। आरोपी से कुल 1,53,250 रुपए का माल बरामद किया गया है। इस संदर्भ में निरीक्षक आरपीएफ आरएल मीना ने अधिक जानकारी साझा की। शनिवार को फरियादी निखिल करण सिंह राजपूत ने आरपीएफ थाना नागपुर में उपस्थित होकर बताया कि नागपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जनरल प्रतीक्षालय के सामने से उसका सैक बैग जिसमें सोने चांदी के जेवर और लावा मोबाइल कुल कीमत 1,53,250 रुपए चोरी हो गया है, जिसके चलते फरियादी ने जीआरपी नागपुर में एफआईआर दर्ज कराई। उनकी शिकायत के अनुसार जीआरपी नागपुर ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया। उक्त चोरी में शामिल आरोपी को पकड़ने के लिए निरीक्षक आरपीएफ नागपुर आरएल मीना के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में गठित टीम आरक्षक धीरज दहिया, आरक्षक अखिलेश पांडे, आरक्षक सतीश वैद्य और सीसीटीवी पर ड्यूटी में तैनात आरक्षक टोपराम रंगडाले, आरपीएफ नागपुर ने सीसीटीवी स्टाफ को फुटेज देखने के निर्देश दिए हैं। सीसीटीवी फुटेज से एक संदिग्ध व्यक्ति का पता चला और उसका सीसीटीवी फुटेज के अनुसार आरक्षक धीरज दहिया और आरक्षक अखिलेश पांडे ने प्लेटफॉर्म 1 से संदिग्ध को पकड़कर आरपीएफ पोस्ट नागपुर लाया गया। सहायक पुलिस निरीक्षक एसबी कामिलकर द्वारा पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम मुकेश कुमार सिंह, उम्र 29 वर्ष, पता गांव सलेम, पोस्ट मरलम, थाना मनिका, जिला लातेहार, झारखंड बताया और उसके द्वारा चुराए गए जेवर के बैग बाबत स्वीकार किया और चोरी का सामान आरपीएफ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पकड़कर आरपीएफ थाना में लेके आया, जिससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मुकेश कुमार सिंह, उम्र 29 वर्ष, रहने वाला झारखंड डिस्ट्रिक्ट लातेहार, झारखंड का रहने वाला है, जिसके पास से उपरोक्त चोरी का सामान बरामद किया, जिसमें आरोपी के पास से एक सोने का मंगलसूत्र, सोने की 2 अंगूठी और कान के झुमकियाँ, चांदी के कमरबंद, हाथ के पट्टे, पायल और लावा कंपनी का मोबाइल, कुल मिलाकर लगभग 1,53,250 का उसका जो सामान चोरी हुआ था पूरा बरामद किया गया। बरामद सामान के साथ आरोपी को अगली कार्यवाही तो जीआरपी को सुपुर्द किया गया, जहाँ आरोपी के खिलाफ गुना रजिस्टर नंबर 118/2022 कलम 379 आईपीसी के तहत मामला पंजीकृत करके मामले की जांच जारी है। उपरोक्त कार्रवाई श्रीमान वरिष्ठ मंडल शिक्षा श्री आशुतोष पांडे के मार्गदर्शन में की गई है और आगे भी टीम को निर्देश दिया गया है कि इसी प्रकार के जो भी संदिग्ध व्यक्ति रेलवे परिसर में पाए जाते हैं उन पर निगरान रखकर इन पर उचित कार्रवाई करें। निरीक्षक आरपीएफ नागपुर के निर्देशानुसार पूछताछ और कानूनी औपचारिकताओं के बाद अपराधी को आगे की कार्रवाई के लिए जीआरपी नागपुर को सुपुर्द किया गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा, बीसीएन न्यूज नागपुर।